फरी एक वक्त देश में कॉमन सीविल कोड नो मुद्दो छवायो छे। संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंह कहूं कि देश में कॉमन सीविल कोड लागू करवा भाजप कटिबद्ध छे। राजनाथ आ बात लखनऊ में भाजपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक ने संबोधित करता कही। तेमणे कहूं कि राजकारण में विश्वसनीयता मोटी पूंजी छे अने कॉमन सीविल कोड लागू करवा भाजपे जे वचन आप्युं तेने कोईपण भोगे निभावशे। राजनाथ सिंह एम पण कहूं कि समान नागरिक संहिता कोईपण आस्था के धर्म की विरुद्ध नहीं होय। राजनाथे कहूं कि तेमनुं राजकारण मानवता केंद्रीय छे। सिविल कोड की भी बात करते हैं तो उसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन किसी के साथ कोई भेदभाव होगा, नाइंसाफी होगी। हम राजनीति जाति पंथ अथवा मजहब की नहीं करते, हम राजनीति यदि करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की हम राजनीति करते हैं। तो हवे ए जोईए के कॉमन सिविल कोड अथवा यूनिफॉर्म सिविल कोड शुं छे। समान नागरिक संहितानो अर्थ थाय छे भारत में रहनारा दरेक नागरिक माटे एक समान कायदो। नागरिक कोईपण धर्म के जातिनो केम न होय परंतु तेना पर समान कायदो लागू पड़े। समान नागरिक संहिता में लग्न, छूटाछेड़ा, जमीन संपत्ति की वेचनी सहित कायदाओ तमाम धर्मों माटे एक ज होय। महिलाओं नो पोताना पिता ने संपत्ति पर अधिकार अने बाळक दत्तक लेवा जेवा मामलाओं में पण एक ज कायदो होय। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कायदो होय छे जे तमाम धर्मोना लोको माटे समान रूपथी लागू थाय छे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाथी दरेक धर्म माटे एक जेवो कायदो આવી જશે। એટલે કે હિન્દુ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી કે શીખ આ તમામ ધર્મોમાં લગ્નો, તલાક સહિતના મુદ્દાઓ માટે એક જ કાયદો રહેશે। અત્યારે મુસ્લિમ, ઈસાઈ અને પારસી સમુદાયનો પર્સનલ લો છે, જ્યારે હિન્દુ સિવિલ લો અંતર્ગત હિન્દુ, શીખ, જૈન અને બૌદ્ધ આવે છે। બંધારણમાં સમાન નાગરિક સંહિતાને લાગુ કરવો તે અનુચ્છેદ 44 અંતર્ગત રાજ્યની જવાબદારી ગણાવાય છે, પરંતુ આજ સુધી તે દેશમાં લાગુ નથી થઈ શક્યું।